तो साडे मील्स प्रॉपर बन जाते हैं। मैं किसी ने भी कोई यहोजी डाइट नहीं दिंदी कि तुसी अवेल ही ना कर सको, तुसी तुहानू वो डाइट दुनिया च मिल ही ना सके। बड़ी छोटी छोटी डाइट होंगी, बड़े छोटे छोटे मील्स होंगे, राइस होंगी, चपाती होंगी, सब्जी होंगी, ग्रीन वेजिज होंगे, सैलड होंगे, फ्रूट होंगे, चाह होंगी, दुध होंगे, ये सारिया चीज़ा साढ़े सारिया के घर मिलती हैं। बट अफसोस सानू पता ही नहीं होंदा सी किवें खाणा। मेरी डाइट विच ना मैं किसी नूं कोई दवाई देनी आ ते ना ही मैं किसी नूं कोई शेक्स देनी आ। छोटियां छोटियां चीज़ां नूं प्लान करदी हाँ और जो तुसीं उहनूं फॉलो कर दिओ 15 दिन दे विच तुहाडा 5 किलो वेट उड़ जांदा है। 15 दिनां दे विच तुहाडा 2 तों 3 किलो भार इनक्रीज़ हो जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिद्दा जिद्दा थोड़ी बॉडी विचों फैट जाएगा थोड़ी स्किन वधिया हुंदी जाएगी। जिवें जिवें थोड़ी बॉडी, अगर तुसीं अंडरवेट हो, थोड़ी बॉडी विच मसल मास वेट गेन हुंदा जाएगा तो थोड़ी स्किन ऑटोमैटिकली ग्लो हुंदी जाएगी। तुसीं मैंने गल दसो, तुसीं फिजिकली फिट नहीं हो, हाउ यू एक्सपैक्ट कि थोड़ी स्किन ग्लोइंग होएगी, थोड़े हेयर अच्छे हो जाएंगे? इम्पॉसिबल। अंटिल अनलैस तुसीं अपने आप को इंटरनली फिट नहीं करोगे, थोड़ी बॉडी फिट नहीं होगी, यू कैन नॉट अचीव अ ग्लोइंग स्किन, फ्लॉलेस स्किन। हम डेफिनेटली थोड़ी स्किन के उपर पिंपल्स आएंगे, पिगमेंटेशन होएगी, ब्लैमिशेज होंगे, एक्ने हो जाएंगे, बिकॉज थोड़े शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। उन्हों कई बार असं की कहने, मैं मेरे को बड़े क्लाइंट्स आते, दीदी साड़ी बॉडी तो ठीक है, साड़ा फेस ठीक कर दो। मैं फेस न उपर कोई सफेदी तो लगा के ठीक नहीं ना करना, कोई चूना लगा के ठीक नहीं करना। जदों तक मैं अंदर सीमेंट नहीं पावगी, अंदर बिरला पुट्टी नहीं पावगी, उदों तक थोड़ी स्किन किवें ग्लो करेगी? पहला देखना पड़ेगा कि की कॉज है। तुहानू इन्ने सालों तो पिगमेंटेशन हो रही है, इन्ने सालों तो एक्ने हो रहे हैं, उदा कुछ तो गर्मी तुहाडी बॉडी के अंदर होएगी, या तुसीं बहुत सारिया मेडिसिन खादिया होनगियां, बर्थ कंट्रोल पिल्स खादिया होनगियां, या ड्यूरिंग प्रैगनेंसी थोड़ा आयरन लैवल इन्ना ज़्यादा घट गया होएगा कि थोड़ी स्किन के विच हौली 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 जिहड़े निक्के निक्के दाने बनते हैं, पहला साडी स्किन के विच ब्लैमिशिज निक्के 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 बनते बनते वो वड्डे 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 पैचेस बनते जाते। जो पैच बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा साड़ी स्किन डैमेज हो जाती है। मेरे को 10 विचों 10 कुड़ियाँ ही इदा दी जिन्ह ने 3 मंथ्स का वेट लॉस पैकेज या वेट गेन पैकेज लिता है, उन्होंने विद डाइट स्किन ठीक हो गई। उन्होंने स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई सी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई सी जो मेरे को आए थे। मैं उन्होंने सिर्फ एको गल कही कि तुम अखा बंद करके इस डाइट को फॉलो करो एंड दैन यू सी रिजल्ट विद इन 15 डेज। हाँ, स्किन नूं थोड़ा टाइम लगता ठीक होनू, अगर थोड़ी बड़ी हाई लैवल ते स्किन खराब हुई हुई है उन्हों थोड़ा जा टाइम लगता, बट हो जाती है। 3 महीने भी लग सकते, 6 महीने भी लग सकते हैं, बट दिस इज़ फॉर श्योर कि जिवें जिवें थोड़ा वेट ठीक हो जाएगा, थोड़ी स्किन भी डेफिनेटली 100% ठीक हो जाएगी। सब तो पहला अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपनी बॉडी का जिहड़ा वेट है उन्हों ओवर नहीं होन देना ते उन्हों आपां अंडर नहीं होन देना। तुसीं डेली ये चीज़ वॉच करनी है कि जिन्ना मैं खा रही हाँ इन्ना मेरा वर्कआउट हैगा कि मैं लोड तो वध खा रही हाँ। अगर मैं लोड तो वध खा रही हाँ तो की मैं उन्नी एक्सरसाइज करती हाँ, उन्नियाँ मेरिया कैलोरीज बर्न होंगी है, या मेरा पेट ब्लोटिंग रहती है मैनू, या मैनू गैस भरी भरी रहती है, मेरा पेट अफरिया रहा है। हमेशा खाण तो बाद साडा टम्मी खाली खाली रहना चाहिए, हल्का रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए। अगर खाण तो बाद साडा टम्मी फुल जाता है, सानू ब्लोटिंग हो जाती, सानू गैस हो जाती है, दैट मीनस असी लोड तो वध खा लिया। लोड तो वध खावांगे तो फैट कितने डिपॉजिट होएगा? साडे टम्मी के उपर। हौली हौली टम्मी का फैट वधदा 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 साडा फैट जिहड़ा हुंदा है वह लीवर के कोल जाना शुरू कर दिंदा, साडा फैटी लीवर हो जाता। ये छोटिया छोटिया चीज़ें, ये तो तुसीं हुण जदों डिनर करोगे तुहानूं आप ही पता चल जाएगा कि मैं डिनर किया तो हुण मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल गया, दैट मीनस समथिंग इज़ रोंग विद मी, मैं बहुत ज़्यादा खा लिया। तो जदों कहिंदे जिन्नी भुख होवे ना वो तो थोड़ा जिहा घट खाना चाहिए, सियाणियां ने भी गल्लां कही होईआं। सियाने कहते सके भी जो रोटी खाते डकार आ जाए ना उदो सू रोटी छड़ देनी चाहिए, बट असी अफसोस उस तो बाद भी खाते रहने खाते रहने खाते रहने खाते रहने, वो होंगे थोड़ा वेट गेन हो जाता, टम्मी बाहर आता है। मोस्टली गर्ल्स नू जी प्रॉब्लम आती वो आती है टम्मी फैट, बैली फैट आफ्टर प्रैगनेंसी, ड्यूरिंग प्रैगनेंसी। मेरे को बहुत सारे क्लाइंट्स है जिन्होंने डिलीवरी तो 2.5-3 महीनों बाद ही पैकेज ले लिया सी, तो उन्होंने बॉडी देखने तो बाद तुसी कह ही नहीं सकते कि उन्होंने हमने डिलीवरी होके हटी है, बिकॉज उन्होंने सही टाइम पर सही चीज़ा यूज़ करनिया शुरू कर दी सी। असी उदों जाके साड़ी बॉडी अलार्म वजदा जो साडा टम्मी बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, लूज हो जाता है, लूज होकर नीचे गिर जाता है,
और सानू मेरे बड़े सारिया मेरिया कजनस ईवन हैगियां मेरिया फ्रेंड्स हैगियां जिन्हों का मैरिज हो गई जिन्हों के बेबी है तुसी बिलीव नहीं करोगे लिटरली अपने टम्मी नू हत्थां नाल उपर चकते हैं फिर जाके वो कोई जीन्स या ट्राउजर पाते बिल्कुल टम्मी नीचे गिर गया बिकॉज उन्होंने टाइम पर केयर ही नहीं की थी उन्होंने लग्या थोड़ा जहा खा लेने स्टिल उन्हों का कंट्रोल नहीं है अपने फूड के उत्ते कंट्रोल होना बहुत जरूरी है थोड़ी देर का स्वाद होंगे बट ये साड़ी बॉडी ऐसा डैमेज करके जाता है कि कई साल असी वो बॉडी सांभ नहीं सकते थोड़ा पता हूँ जिमें 9 महीने की थोड़ी प्रैगनेंसी होंगी 9 मंथ्स का थोड़ा फैट होंगे थोड़ा टम्मी लूज हो जाता है लव हैंडल्स आ जाते हैं एक्सट्रा फैट आ जाता है बैली फैट आ जाता है राइट हूँ 9 महीनों के आया तुम घट्टो घट वह अद्धा टाइम तो मैंने दो ठीक कर 9 महीने का अद्धा कि 4.5 महीने 5 महीने राइट सो 4.5 मैं तो फिर भी 3 महीनों रिजल्ट दिखा रही थोड़ा मैं तो अद्धे तो भी घट टाइम के टम्मी थानू वापस टाइट कर रही हाँ तो लाइनस बना रही हाँ हालांकि 4-4.5 महीने चाहिए होंगे है फिर भी मैं तो उस तो भी घट टाइम थोड़ा करके दे रही हाँ किमें जस्ट विद अ नैचुरल होममेड डाइट समटाइम्स असी बिल्कुल ठीक होंगे असी बिल्कुल फिट होंगे फिर भी कितने ना कि साढ़े अंदर एक स्ट्रैस लैवल चलता रहता एक स्ट्रैस एक एनजाइटी चलती रहती है जिन्हों असी सोच सोच के भी बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लें अपनी स्किन खराब कर लें बड़े सारे रीज़न है वेट गेन होने के स्ट्रैस बड़ा वड्डा रीज़न है एनजाइटी बड़ा वड्डा रीज़न है ना कुछ होंदे हुए भी असी अपने आप को इन्ना डैमेज कर लें कि सानू सालों साल लग जाते हील हो मैं कोई रब नहीं हाँ मैनू भी टाइम लगता थोड़ा हील कर पहले तो मैं थोड़े गलबात करती हूँ मैं अंडरस्टैंड कर टाइम लगता भी थोड़ी लाइफ कि प्रॉब्लम चलती भी किन्ने सालों तो चल रही क्यों चल रही इन्ना वेट गेन होया तो क्यों होया की रीज़न सगा कि बेबी तो बाद होया कि तुसी हले अनमैरिड हो तुसी बर्गर पीजे खा के वेट गेन किया मैनू उस बीमारी की जड़ फड़नी पैंती है जो मैं जड़ फड़ लैनी हाँ फिर मिनटा स्किन टाइम थोड़ा फैट उड़ जाता जो थोड़ी स्किन खराब हो जाती है थोड़ी स्किन डैमेज हो जाती है मैं उदी रग फड़दी हाँ भी ये स्किन क्यों खराब हुई मैं फिर ठीक कर दियाँ तुम मैं बिना चोरी छुपे तुम फिर कुछ ना कुछ यहोजा खा लें स्किन फिर खराब कर लें मैं तो स्किन भी ठीक कर दाँगी बट यू हैव टू प्रोमिस मी कि मैं जो चीज़ा दतियाँ तुम उ खाने स्किन हमेशा साड़ी खराब होंदी है एक्सेस ऑयल दे नाल स्ट्रेस दे नाल डिप्रेशन दे नाल टेंशन दे नाल या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साड़ी स्किन हमेशा खराब होंदी है क्योंकि असी प्रेगनेंसी दे विच उन्ना ध्यान कई बार नहीं रखते हैं जिन्ना सानू सब तो ज़्यादा ध्यान एक वूमेन नू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रखना चाहिए कोई ना कोई यहोजी गलबात हो जाती है स्ट्रैस हो जाता एनजाइटी हो जाती है जिहदा सब तो पहला असर साढ़े इस पार्ट के उत्ते आना शुरू हो जाता सो वेट लॉस एंड वेट गेन का छोटा जा फंडा यही है कि तुसी हमेशा वॉच करना है वॉट आई एम ईटिंग मैं जो खा रही हाँ कि मेरा उन्ना वर्कआउट है गया उन्निया एनर्जी उन्निया कैलरीज मैं बर्न करके आ रही हाँ अगर मैनू 1500 कैलरी की लोड़ है तो मैं 1500 कैलरी लै रही हाँ या 1800 लै रही हाँ या मैं 2000 कैलरीज लै रही हाँ अगर तुसी 1500 तो वध कैलरीज लै रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेन वेट अगर तुसी वेट गेन करना है तो तुहानू 1800 कैलरी की लोड़ है बट तुसी 1200-1300 कैलरी ले रहे हो हाउ विल यू गेन वेट मेरे को बड़िया सारिया कुड़ियां जिन्हों का 8-8-10 सालों तो वेट नहीं सी गेन हो रहा उन्हों का विआह फिक्स हो गया सीगा विद इन 1 मंथ उन्हों का वेट गेन होना शुरू हो गया 2-3 महीने से प्रॉपर ही उन्होंने लाइफ चेंज हो गई चीज़ें मैं भी उही दित्तियां बट मैं उन्होंने कैलरीज इनटेक प्रोटीन इनटेक कार्ब्स इनटेक मैं ज़्यादा करता जो तो मैं ज़्यादा किया तो आप हैरान हो गए दीदी ये तो चीज़ें असं भी खाते सके पर तुसी जिस तरीके ना सानू प्लान करके दिता असी ऐदा नहीं सी खाते मेरी जिहड़ी डाइट है दिस इज़ जस्ट नैचुरल होममेड डाइट कोई दवाइया नहीं है कोई शेक्स नहीं है जिद नाल कि तुसी अज गेन किया तो कल तो फिर रिड्यूस हो जाओगे नहीं तो जो तुसी अज रिड्यूस किया सालों साल थोड़ा और वेट मेनटेन रहेगा मेरिया बड़ी सारिया सिस्टर्स है जिन्हों के पैकेज खत्म हुए तीन पाँच महीने हो गए स्टिल उन्हों का वेट उत्थे ही है बल्कि घटिया होएगा वधिया नहीं होएगा क्योंकि जो तो मैं उन्होंने लास्ट डाइट देनी हाँ उस तो बाद मैं उन्होंने स्टक डाइट दे दिनी कि वेट स्टक हो जाए किसी और का कोई भी सवाल जो मैं पूछना चाहते फिलहाल वेट गेन एंड वेट लॉस में लैके अदरवाइज आई विल गो ऑफलाइन फतेह चीमा प्लीज़ ट्राई टू बुक अपॉइंटमेंट फॉर डाइट वो ही मैं थोड़ा दस सकती हाँ
कि थोड़े फेस से प्रॉब्लम है तां की है, तुसी की खाओगे तां ठीक हो जाओगे। अंडर वेट हो तो प्लीज़ हरप्रीत प्रॉपर डाइट लो। ओनली वेट गेन एंड वेट लॉस ले तुसी मैंने पूछ सकते हो, ओनली वेट गेन एंड वेट लॉस। जिन्हां ने 3 months के पैकेज लिते हैं सिर्फ उन्हां दी ही 15 दिन बाद डाइट चेंज होंदी है। कालो बलजीत प्लीज बुक अपॉइंटमेंट। थैंक यू अमन, थैंक यू रितु। हाउ टू लूज, हाउ टू वेट लॉस, मैं हमने तो दसिया थानू जिन्नी थानू लोड़ है उस तो घट कैलोरीज लैनी है और ज़्यादा वर्कआउट करना। बुक अपॉइंटमेंट रंजीत। बैली फैट जरूर घटेगा अगर तुसी प्रॉपर डाइट लोगे, जिन्नी लोड़ है उन्ना खावांगे तो जरूर घटेगा, लोड़ तो वध खावांगे तो कभी नहीं घटेगा। और पहले 15 दिनों के ही थोड़ा 5 kg वेट लूज हो जाता आराम नाल, आराम नाल इफ यू फॉलो माई डाइट सीरीयसली। बैली फैट क्यों नहीं घटता, सारे का घटिया, तुम पेज से रिजल्ट नहीं देखे, सब का बैली फैट घटता है, थोड़ा भी घटेगा अगर तुम डाइट को प्रॉपरली फॉलो करोगे। लव हैंड इजली बहुत सारी एक्सरसाइजेस पई हैं मेरे पेज के उत्ते, तुसी देख के उन्हें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू जैसमीन। येस नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग इफ यू वॉन्ट टू डू। देखो आप जिंदगी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते जो असी करना चाहिए, जो असी हिम्मत हार के बैठे रहेंगे नहीं होना है, ये किदा होएगा, होएगा नहीं होएगा की होएगा, जो असी सोची जावे सोच में साड़ी उम्र लंघ जाएगी, साड़ा वक्त लंघ जाएगा, तो असी कुछ नहीं कर पावे। जिन्होंने कुछ करना है मेरे को जे इम्पोसीबल टू इम्पोसीबल केसिज आए हैं, जिन्होंने वो सब कुछ करके दिखाता है जो कई सालों तो कर नहीं सके, क्योंकि एक राइट गाइडेंस, एक राइट डाइट थानू मिलनी बहुत जरूरी। डाइट तो सारे कितने पई है, गूगल पर पई है, यूट्यूब पर पई है, तुसी जाओ चुको खानी शुरू कर दो, करो खाओ फॉलो करो, शायद तुसी रिड्यूस कर लोगे। बट एक राइट गाइडेंस होनी, एक राइट डाइट मिलनी, सही दिशा मिलनी, तो उस दिशा वाल चलना, उस डायरेक्शन वाल चलना बहुत जरूरी होता। एक होंगे जनरल चीज़ा पईया गूगल पर यूट्यूब पर चको चको करी जो वी आर जस्ट वेस्टिंग आर टाइम। वो की होएगा समटाइम असी गलत डाइट कर लाँगे तो साड़ी बॉडी उम्र तो पहला बुढ़ी हो जाएगी, स्किन लूज हो जाएगी, हेयर फॉल शुरू हो जाएंगे, हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि उत्थे जिहड़ियां डाइटां पईयां एक जनरल डाइट्स है, दैट इज़ नॉट मेड फॉर प्रिया और मनप्रिया।